दोस्तों, अगर आप 10 से 15 हज़ार के प्राइस सेगमेंट में कोई स्मार्टफोन खरीदने का प्लान बना रहे हो और आप अभी तक कंफ्यूज हो कि कौन सी कंपनी का स्मार्टफोन ले, तो दोस्तों आपके लिए गुड न्यूज है। जी हाँ दोस्तों, नोकिया कंपनी जल्द ही अपना एक दमदार स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च करने जा रही है और इस फोन का नाम है नोकिया 5.3। दोस्तों आज इस वीडियो में हम यही बात करने वाले, ये स्मार्टफोन इंडिया में कब लॉन्च होने वाला है, इसके फीचर्स क्या रहते हैं, ये स्मार्टफोन हमें खरीदना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं हूँ जिग्नेश, आप देख रहे हो कैम्फोटेक। चलिए शुरू करते हैं। ग्लोबल मार्केट में दोस्तों नोकिया 5.3 को मार्च महीने में ही लॉन्च कर दिया गया था और दोस्तों अमेरिका और यूरोप जैसे देशों में यह स्मार्टफोन अप्रैल महीने से उपलब्ध करा दिया गया था। लेकिन दोस्तों कोरोना की महामारी की वजह से इंडिया में यह स्मार्टफोन देरी से लॉन्च होने जा रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं नोकिया 5.3 के डिज़ाइन के बारे में। तो दोस्तों इस फोन में आपको बैक पैनल प्लास्टिक की देखने को मिलने वाली है, लेकिन दोस्तों बहुत ही बढ़िया और ज़बरदस्त डिज़ाइन के साथ ये फ़ोन आपको देखने को मिल जाएगा। ये फ़ोन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा गोर्जियस लुक के साथ आपको देखने को मिलने वाला है। डिस्प्ले की बात करते हैं तो दोस्तों आपको नोकिया 5.3 में 6.55 इंच की HD प्लस वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, जिसका दोस्तों एस्पेक्ट रेशियो 20:9 है, जिसमें दोस्तों गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन दिया हुआ है। दोस्तों नोकिया 5.3 एंड्रॉयड 10 पर चलता है, वहीं दोस्तों इसको फीचर में एंड्रॉयड 11 से अपडेट किया जा सकेगा। प्रोसेसर की बात करते हैं तो दोस्तों आपको नोकिया 5.3 में क्वाडकॉप स्नैपड्रैगन 665G प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो दोस्तों इसके प्राइस के हिसाब से काफ़ी तगड़ा प्रोसेसर माना जाएगा। बैटरी की बात करते हैं तो दोस्तों आपको नोकिया 5.3 में 4000 MAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी, जो 20W चार्जिंग के साथ आती है। दोस्तों नोकिया 5.3 को ग्लोबल मार्केट में 3 वेरियंट में लॉन्च किया गया था। पहला वेरिएंट है दोस्तों 3 GB रैम 64 GB फोन स्टोरेज, दूसरा वेरिएंट है 4 GB रैम 64 GB फोन स्टोरेज, तीसरा वेरिएंट था 6 GB रैम और 64 GB फोन स्टोरेज। मतलब कि दोस्तों रैम चेंज होती थी लेकिन स्टोरेज तो 64 GB ही था। और शायद इंडिया में भी दोस्तों यही वेरिएंट के साथ इस स्मार्टफोन लॉन्च किए जा सकते हैं। और दोस्तों इन तीनों वेरिएंट की कीमत 10,000 से 15,000 के बीच रहने वाली है। चलिए दोस्तों बात करते हैं कैमरे के बारे में। तो दोस्तों नोकिया 5.3 में आपको क्वाड रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलने वाला है, जिसमें दोस्तों 13 MP का प्राइमरी कैमरा मिल जाएगा, अल्ट्रा वाइड एंगल 5 MP का मिल जाएगा, 2 MP का डेप्थ सेंसर और 2 MP का मैक्रो लेंस आपको इस फोन में देखने को मिलने वाला है। साथ ही दोस्तों इस फोन में आपको कैमरा के बीच में LED फ्लैश लाइट भी देखने को मिल जाएगी। इस फोन में वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए 8 MP का कैमरा भी दिया हुआ है। कनेक्टिविटी की बात करते दोस्तों इस फोन में आपको ब्लूटूथ, वाईफाई, GPS देखने को मिल जाएगा। साथ ही इस फोन में दोस्तों आपको 3.5 mm का ऑडियो जैक भी देखने को मिलने वाला है। सिक्योरिटी की बात करते हैं दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको बैक साइड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा, साथ ही दोस्तों आप फेस अनलॉक भी कर सकेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं कि नोकिया 5.3 को कंपनी इंडिया में कब लॉन्च करने वाली। तो दोस्तों ये स्मार्टफोन आपको अगस्त महीने के एंड तक इंडिया में देखने को मिल सकता है, मतलब कि अगस्त महीने के एंड तक कंपनी इसे इंडिया में लॉन्च कर देगी और अगले महीने के पहले वीक में इसको सेल के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि यह स्मार्टफोन हमें खरीदना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों ओप्पो, वीवो, एमआई, रियलमी के कंपैरिजन में इसमें थोड़े फीचर्स कम दिए हुए, लेकिन दोस्तों अगर आपको नोकिया का भरोसा चाहिए और एक अच्छी ब्रांड वैल्यू वाला स्मार्टफोन चाहिए तो आप नोकिया के साथ जा सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलो दोस्तों मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।